हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज, अभी तक बारिश नहीं रुकी, आज तीसरा दिन हो गया है। और मैंने कल ब्रश भी नहीं किया था, ना मैंने मुंह धोया था, क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा था ना। ब्रश तो कर ही लेते, नहाऊंगा तो नहीं, बिकॉज बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। मतलब बारिश रुक ही नहीं रही है, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक रही। बारिश से इनके घर में तो देखो पूरा पानी भर चुका है, तो ये पानी निकाल रहे हैं। कैसे आया पानी? पीछे से अपन चलते हैं ब्रश करने के लिए धारे पे, यहाँ भी हल्का हल्का पानी भर गया है। गवर्नमेंट ने दो तीन दिन के लिए रेड अलर्ट कर रखा है कि उत्तराखंड में ट्रैवल मत करें, केदारनाथ, बद्रीनाथ या फिर कहीं भी, नैनीताल, भीमताल, कहीं भी ट्रैवल मत करें, सब कुछ बंद कर रखा है। कितना ज्यादा पानी आ रहा है यहाँ से, लिटरली यूजुअली यहाँ से बहुत कम पानी आता था। आज मुझे वापस जाना था हल्द्वानी, तो अब तो नहीं जा पाऊंगा जब तक बारिश नहीं रुकती, तीन चार दिन बाद ही जा पाऊंगा हल्द्वानी। फिलहाल ब्रश करता हूँ, मुंह धोता हूँ और फिर चलते हैं कहीं आसपास, ऐसे घूमेंगे, नदी की साइड जाके देखेंगे नदी कितनी ज्यादा रखी है। मेरे ऊपर क्यों फेंक रहा है? तो ये पीयूष भी आ गया पानी निकालने के लिए। ओए, मेरे ऊपर मत फेंक भाई, बारिश आती रह रही है, पानी भरता रहेगा, कितना ही निकाल लो, कोई फायदा नहीं है निकालने का, बारिश तो रुकी नहीं रही है ना। ओ भाई, मेरे ऊपर फेंक दिया, मेरे को गीला कर दिया इसने। इन घरों में यही दिक्कत है, ज्यादा तेज बारिश आए ना तो पानी भर जाता है पूरा, लेकिन हमारे में नहीं भरा है। वैसे बारिश तो रुकी नहीं रही है, भर भी सकता है। तो फिलहाल अभी हम देखने जा रहे हैं नदी की साइड और खेत की साइड तक कितना पानी आया हुआ है। रास्ते में पानी देखो कितना ज्यादा आ रहा है भाई, रोड में भी पानी पानी, बहुत तेज है क्या? बहुत ज्यादा तेज है भाई। तो अभी हम जा रहे हैं खेत की साइड, तो ये चीज तो मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। हम बारिश में फंस चुके हैं यहाँ पे, हमको हल्द्वानी जाना था। वैसे बारिश की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है लैंडस्लाइड की, क्योंकि पहाड़ों में ना रास्ते में अगर पहाड़ कहीं से ऊपर से गिर गया, गाड़ी के ऊपर पहाड़ गिर सकता है, फिर नहीं बचेंगे। जब तक बारिश अच्छे से रुक नहीं जाती है, अच्छे से मौसम ठीक नहीं हो जाता है, रोड ठीक नहीं हो जाती, तब तक हम नहीं जा सकते अब गाँव से हल्द्वानी। और नेटवर्क भी नहीं है अभी तक, तो मैं इंटरनेट भी यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं देख पा रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे, जीमेल पे, यूट्यूब पे, आपके कमेंट्स, कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ मैं। ये देखो सारे खेतों में पानी भर चुका है, बाढ़ आ गई गाइस यहाँ तो नदी में। करनी है पार, पार करनी है भाई, देख के तो डरावना लग रहा है ना लिटरली, अगर इसमें गिर गए बचना इम्पॉसिबल है। ये देखो कितना तेज है लिटरली, इसमें हम नहाते थे, इसमें हम रिवर क्रॉसिंग करते थे। ये देखो भाई 6-6 फुट तक पानी उछल रहा है, इसीलिए कहते हैं बारिश में ट्रेवल नहीं करना चाहिए पहाड़ों में। बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है नीचे देखने में। अभी हम जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ, रास्ते पे इतना ज्यादा पानी आ रहा है ना कि वाटरफॉल बन गया। तो ये रहा नेचुरल वाटरफॉल। भीग गया यार, पूरा भीग गया। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे गांव में इतना बुरा हाल है, अगर हम जाए हमको रास्ते में लैंडस्लाइड मिल जाए तो हम तो फंस जाएंगे, इसलिए हम नहीं जा सकते कहीं भी। ओलू, ये तो हमारे पीछे पीछे आ रहा था, इसको दुकान दिख जाए बस। ओलू यार, कितना मेरे को ओलू की याद आ रही है इसको देख के, अरे डर रहा है। ओलू की बहुत याद आ रही है, सारे डॉग सेम होते हैं यार। तो फिलहाल पैर और चप्पल धुल रही है हमारी, थार भी सोच रही होगी कहाँ ले आए मुझे। ओ अम्मा, कहाँ जा रहे हो? अम्मा का स्टाइल देखो बारिश से बचने के लिए। तो आज बने मस्त छोले चावल, बर्तन भी यहीं धोए जा रहे हैं, वो भी बारिश के पानी से। तो अभी खाना हो चुका है, वैसे भी बारिश ना थोड़ी हल्की हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे आया था नेटवर्क ढूंढने के लिए। वैसे नेटवर्क आ तो नहीं रहा, बट फिर भी रहता ना, क्या पता आ जाए तो टेस्ट करने, लेकिन नहीं आ रहे। शायद वही भगवती होटल में जाना पड़ेगा मुझे वीडियो अपलोड करने के लिए, और सोच रहा हूँ कि आज रात को वहीं स्टे कर लूँ। फाइनली गाइस, गुड न्यूज़ है कि बारिश अभी रुक चुकी है, अभी हल्की हल्की भी नहीं हो रही है, बस ऐसा ही रहे मौसम, फिर कल हम हल्द्वानी के लिए निकल लेंगे। तो भी बारिश रुकी तो गाय को भी बाहर बांध दिया है, और पीयूष और कुनाली देख रहे हैं टीवी, पता नहीं कार्टून देख रहे हैं कोई, और मैं कर रहा हूँ यहाँ पे एडिटिंग। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए आगे, वहाँ पे जहाँ पे कल टावर मिले थे हमको, होपफुली आज वहाँ पे टावर मिल जाए हमको। इनके किचन में पानी भर गया पूरा, अब निकाल रहे हैं, हमेशा भर जाता है, हमेशा आज ज्यादा बारिश आई है इसलिए। दो दिन से ना कुछ ज्यादा ही तेज बारिश आ रही है इसलिए भर गया, नहीं तो यूजली भरता नहीं है पानी। देख ले, गांव में ये दिक्कत रहती है पुराने घरों में ना, ये बादल चले जाए ना फिर बारिश चली जाएगी। बादल जाएंगे तो अपने बारिश की। तो यहाँ पे हमको कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स मिले हैं, ये कह रहे हैं कि नेटवर्क आएगा ही नहीं, तो गाड़ी हमको यहीं पार्क करनी पड़ी, बिकॉज आगे लैंडस्लाइड हो रहा है, तो देख के आते हैं कैसा लैंडस्लाइड है। चलो तो भाई, ये देखो खतरनाक लैंडस्लाइड, वो है मेन रोड जो कि पूरी बंद हो चुकी है। सही करा जो आज हम नहीं गए हल्द्वानी के लिए, तो रास्ते में फंस जाते कहीं पे। तो अभी हमको जाना था इस रोड से यहाँ से, तो अब हमको यहीं से वापस जाना पड़ेगा। देख लो गाइस, पानी कितना खतरनाक होता है, पूरा पहाड़ तोड़ दिया उसने और सीधा नीचे नदी में। ये
ये देखो इसकी आधी जड़ दिख रही है, ये पेड़ भी नीचे गिर सकता है, सीधा मेरे ऊपर आएगा। तो अभी हमको वापस जाना पड़ रहा है घर, रास्ते में हमको लैंडस्लाइड, मतलब घर के बिल्कुल पास में लैंडस्लाइड हो गया है। हल्द्वानी तो क्या ही जा पाते हैं। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं कौसानी की साइड भगवती होटल में, वहीं से वीडियो अपलोड कर लेंगे। और बारिश रुक चुकी है, मौसम खुल चुका है, बाकी पानी भरा हुआ है यहाँ पे पूरा। बारिश के बाद का व्यू देखो गाइस कितना प्यारा लगता है, सारे पेड़ पौधे ना धुल जाते हैं और ज्यादा हरे हरे लगते हैं। तो भी आई थिंक एक और लैंडस्लाइड है यहाँ पे, रास्ते में हम होटल तक भी नहीं पहुंच पाए। देख लो इस साइड भी लैंडस्लाइड, इस साइड भी लैंडस्लाइड, चल देख के आते हैं। तो गाड़ी यहाँ लगा दी है और लैंडस्लाइड साइड उधर हो रहा है। चाचा जी मस्त पोपट हो रहा है आज हमारा, मतलब घर के सिर्फ 5 किलोमीटर पे हमको लैंडस्लाइड मिल गया। अगर हल्द्वानी जाते तो कितने लैंडस्लाइड मिलते हमको। अरे चप्पल भी ऐसे ही चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे पेड़ वेड़ सब गिर गया, ये खुद ही निकाल रहे हैं, यहाँ से तो गाड़ी नहीं निकलेगी। खतरनाक लैंडस्लाइड हो रखा है यहाँ भी, अब क्या करें। इन्होंने अपनी बाइक निकाल दी, पता नहीं कैसे निकाली है, कैसे निकाली आपने बाइक, नीचे भी हो रखा है लैंडस्लाइड, तो वहाँ से भी निकालनी पड़ेगी आपको। तो हम क्या करें, चले वापस। हाँ भाई ये तो और भी यहाँ पे पेड़ भी है ना, उनसे कहाँ से खिसकेगा। तो आज दो बार पोपट हो चुका है, एक लैंडस्लाइड नीचे मिला, एक ऊपर आने में भी। तो अब हमारा प्लान है कि हम जाएंगे पैदल, पीछे से एक पैदल वाला रास्ता भी है जो कि आपने देखा होगा, हमने बहुत बार दिखाया भी है मैंने वीडियो में। तो उसी के थ्रू जाते हैं कौसानी तक और वहाँ पे वीडियो अपलोड करेंगे, शायद वहीं स्टे कर लेंगे आज, क्योंकि वहाँ वाईफाई है ना, और काम भी कर लूँगा, मेरे काफ़ी प्रोजेक्ट आ रखे थे, मुझे बात करनी थी उनके लिए। पहाड़ों पे ना काफ़ी स्ट्रगल है बहुत ज़्यादा, हम जैसे लोग तो रह नहीं सकते, जिनका काम सिर्फ नेट से चलता है वो तो रह नहीं सकते हैं, क्योंकि ट्रैवल भी करना होता है हमको, ऊपर से वाईफाई चाहिए, नेट चाहिए, अच्छी स्पीड चाहिए। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, वहाँ से भी निकाल लेना। निकाल देंगे, इनको पता नहीं है ना कैसा है वहाँ, तो और भी खतरनाक है, और भी टफ है वहाँ, तो पूरा ऊपर से नीचे आ रखा है। ये सब चीजें आपने पहली बार देखी हुई किसी के व्लॉग में आई थिंक। अब हम जाएंगे पैदल, बारिश ना हो जाए रास्ते में कहीं, मेरे लैपटॉप वाला बैग भीग जाएगा, लेके जाएंगे छाता लेके जाएंगे। अब किसका फोन आ गया। तो भी हमको थार को छोड़ के जाना पड़ रहा है, बाय बाय थार। ओ अम्मा आज दो बार पपट हो गया, इधर भी लैंडस्लाइड है उधर भी लैंडस्लाइड है, अब हमको पैदल जाना पड़ेगा। तो अभी गाइस रेडी है पैदल जाने के लिए, दोनों बैग मैंने पैक कर लिए हैं, बाय कुनाली, पैदल का रास्ता यहाँ से है। और आज पीयूष भी जा रहा है साथ में। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, सबसे पहले प्रॉब्लम आई थी कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं मिले मुझे, ठीक है अपने घर पे। उसके बाद मैं कहीं और गया, वहाँ पे लैंडस्लाइड मिला, फिर कहीं और गया, फिर वहाँ भी लैंडस्लाइड मिला। अब पैदल जा रहे हैं, कहीं तो मिलेगा नेटवर्क। तो यहाँ पे पानी पानी हो रहा है, देखो ऐसी जगह पे कभी भी लैंडस्लाइड नहीं होता, क्योंकि लोग रोड काटते हैं ना, रोड काट के इस तरह से रोड बनाते हैं, फिर वहाँ पे पहाड़ होता है वो सीधा नीचे आता है। तो पहाड़ पे रोड इस तरह से बने कि लैंडस्लाइड को ध्यान में रखते हुए। चल 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 चल, तो अभी गाइस अंधेरा भी होने वाला है, जल्दी से पहुंचते हैं क्योंकि अंधेरे में फिर बाघ का खतरा भी रहता है ना। और चाचा जी कह रहे हैं कि तुमको छोड़ के मैं वापस आऊँ गाँव, जो कि मैं उनको मना कर रहा हूँ कि मत जाना, देखते हैं। तो अभी चलते चलते तो मेरी हालत ख़राब होगी, पसीने से भीग गया मैं इतनी ठंड में भी। सबसे बढ़िया बात यह है कि बारिश रुक गई है, अगर बारिश ना रुकती ना फिर बारिश में आना पड़ता हमको, लेकिन मैं आता जरूर, वीडियो अपलोड करके रहूँगा मैं। पापा जी ने हमको यहाँ से छोड़ दिया और पापा जी कह रहे हैं कि मैं घर तक अकेले जाऊंगा। मैं तो कह रहा हूँ अंधेरे में जाओ कैसे, बाघ आता है मेरे को ना, आदत है पापा, सुबह मेरे को 5 मिनट में जंगल को क्रॉस कर लेता हूँ, 5 मिनट यार अंधेरे में कैसे जाओगे जंगल से अकेले, वो भी नहीं आदत है मेरे को। रुक जाओ हमारे साथ ना, बस हो गया, अरे मैं बोर हो जाऊंगा ना, तुम लोगों का तो अलग अपना हिसाब है। चाचा जी तो मान नहीं रहे, कह रहे कि मेरे को जाने दो। तो चाचा जी ने हमको यहाँ तक छोड़ दिया है, अब वो जा रहे हैं वापस, अंधेरा होने वाला है यार, पता नहीं कैसे जाएंगे जंगल में, वो भी अकेले। वैसे चाचा जी को आदत आई है तो फिर भी जल्दी है, चाचा जी पूरे अंधेरे में भी आते थे वहाँ से। पहुँच गए फाइनली, दो दो बैग ले रखे हैं इसने तो, बच्चे तेरा वेट कर रहे हैं। और कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। तो क्या लेगा अभी, चाय कॉफी मैगी क्या खाएगा अभी? तो कुछ नहीं। अरे कुछ तो ले 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 कुछ तो पक्का।
नहीं लेना पक्का चाय? मैं तो पी लूंगा, मेरे को तो जो पीना है पी ले, कोई दिक्कत नहीं। कॉफी पिएगा? ठीक है, मेरी भी कॉफी ला दो। कॉफी क्या है? अरे वाह, मेरा स्केच बनाया। अरे थैंक यू यार, बहुत प्यारा लगा दिखाना। तो भी हमारी कॉफी भी आ गई है, मैं कॉफी पीते हैं और फिर वीडियो अपलोड करता हूँ मैं। बाहर तो पूरा फॉग हो रहा है, देखना कुछ दिख ही नहीं रहा है आसपास। तो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मैं होटल में आया था वाईफाई के चक्कर में, बट इनका वाईफाई नहीं चल रहा है। अब मैं वीडियो अपलोड किस तरह से करूँगा? तो जितना हो सकता था मुझसे उतना मैंने किया, मैंने तो अपना 100% दिया, बट फिर भी अगर वीडियो नहीं आएगी तो इसमें मैं आप क्या कर सकता हूँ, बाकी सब भगवान के ऊपर है। फिलहाल तो मैं डिनर करके सो जाऊँगा। देखो मैंने लिटरली सोचा भी नहीं था कि मैं गाँव में स्टे करूँगा, क्योंकि मैं कल ही वापस जाने वाला था, मुझे आज भी रुकना पड़ा, अब कल भी रुकना पड़ेगा शायद, पर उससे अगले दिन भी क्या रुकना पड़ेगा, क्योंकि बारिश क्या पता दोबारा आ जाए, क्योंकि बारिश नहीं जा सकती। जैसे आपने देखा यहीं आसपास में लैंडस्लाइड हो रखा है, तो अभी तो बहुत दूर जाना है, 6-7 घंटे का ट्रैवल है, तो रास्ते में अगर कहीं लैंडस्लाइड मिल गया तो रिस्क नहीं ले सकते। प्लान नहीं था मेरा बिल्कुल भी रुकने का, अगले दिन वापस जाने का था, बट बारिश हो गई, तो लाइफ में कब क्या हो जाए, सारे प्लान बिगड़ जाए, कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं पता। तो फिलहाल अभी हम डिनर करने के लिए आ गए हैं, बट पीयूसी नेट नहीं चल रहा है यहाँ, अभी नहीं चल रहा ना, पता नहीं अब वीडियो आएगी नहीं आएगी। चलो फिलहाल हम डिनर करते हैं। तो गाइस अभी दोनों डिनर करके आ चुके हैं और अभी हम जल्दी सो रहे हैं, बिकॉज हमको सुबह जल्दी उठना है, और हम कल तो अलग अलग होटल में जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ पर वाईफाई है, यहाँ पर तो आज वाईफाई नहीं चल रहा, तो वीडियो अपलोड करनी है तो करना पड़ेगा। वीडियो अपलोड करने आए थे और यहाँ भी नहीं हो रही, वैसे ही सोए हैं अभी। सौरदा मस्त चिंता में अपनी, क्या हुआ? कल तो मैं करके रहूँगा वीडियो, कहीं ना कहीं से चाहे कहीं भी जाना पड़े, लेकिन वीडियो कल आएगी पक्की बात है। फिलहाल इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। बट इनका वाईफाई नहीं चल रहा है, अब मैं वीडियो अपलोड किस तरह से करूँगा? और अंधेरा भी हो गया यार, अब कहीं और भी नहीं जा सकते। अब तो सुबह तक का वेट करना पड़ेगा, किसी और होटल में जाके या फिर कहीं और, पता नहीं क्या हो रहा है यार ये। पीयूष अपना मस्त बाहर बच्चों के साथ में खेल रहा है, मेरे को पता नहीं क्या हो गया, मैं पता नहीं क्या कर रहा हूं ये।